हेलो फ्रेंड। तो आज हम कंप्यूटर के 10 ऐसी शॉर्टकट कीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे जानकर आपकी जो डेली यूसेज है कंप्यूटर के वो और भी आसान हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहे। अगर आपको ये ट्रिक के बारे में पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो फिर भी वीडियो को पूरा देखते रहे। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी मिलेगी यही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। जो जो हमारा सबसे पहला और पॉपुलर शॉर्टकट की है वह कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस इंसर्ट। तो इससे होने क्या वाला है कि बेसिकली जो कंट्रोल सी से आप किसी भी चीज को कॉपी कर सकते हैं सेलेक्टेड आइटम को। जैसे मैं दिखाता हूँ, चलिए मैं यहाँ पहले नोटपैड खोल लेता हूँ, यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी। जैसे मैंने ये टाइप कर लिया, ठीक है, मुझे इतने पोर्शन को कट करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि उस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल प्लस सी दबा देंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस एक्स दबाएंगे ये कट हो गया। देखिए यहाँ पर कट हो गया। उसके बाद जो हमारा दूसरा शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस बी, या तो फिर कंट्रोल प्लस सॉरी शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो कंट्रोल प्लस बी जैसे ही दबाएंगे, देखिए आप यहाँ पर पेस्ट हो गया, फिर से ये पेस्ट हो गया। या तो फिर से मैं इसे कट करके दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल प्लस एक्स से कट करते हैं इसको, सॉरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस एक्स ये कट हो गया। फिर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि शिफ्ट प्लस, जैसे शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबाया, यहाँ पर देखिए आप पेस्ट हो गया ये, फिर से दबाऊंगा फिर से ये पेस्ट हो जाएगा, देखिए ये बस पेस्ट हो गया फिर से। तो ये था हमारा दूसरा मतलब कि शॉर्टकट की। तो इसे आप चाहे तो क्या बोलते हैं कि आप मैक में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको कंट्रोल का की दिखता है, यहीं पर जो आपका मैक में होता है वहां पर कमांड का की होता है, कमांड का की। तो आपको इसे जैसे सिंपली किसी भी टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करना है तो आप उसमें मैक में कमांड प्लस सी दबाएंगे, और आपको अगर पेस्ट करना है तो उसमें कमांड प्लस भी दबाएंगे। और जो हमारा तीसरा नंबर पे आता है, जो तीसरे नंबर शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस जेड। उससे आप किसी भी फाइल को अंडो या रीडो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर पेस्ट किया था, तो जैसे पेस्ट किया था तो वैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा तो देखिएगा जो पेस्ट किया हुआ था मैं वो कट हो गया, देखिए कट हो गया। फिर से एक बार मैं दबाऊंगा फिर से ये कट हो गया। मतलब अंडो मतलब होता है कि जो मैंने काम कर लिया है उस काम में कुछ मिस्टेक हो गया, तो उसे अगर एक स्टेप बैकवर्ड जाना है तो उससे बैकवर्ड जा सकते हैं। और जैसे कि कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे तो वो रीडो हो जाएगा, मतलब जो फाइल मैंने डिलीट किया था फिर से वो आ जाएगा। देखिए कंट्रोल प्लस वाई दबाना है, वाई दबाया देखिए फिर से आ गया, फिर से वाई दबाया फिर से आ गया, फिर कंट्रोल प्लस अगर जेड दबाएंगे फिर से ये कट हो गया। आप देख सकते हैं, अब कोई फाइल को भी हमें कॉपी करके पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये फाइल है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, इसे कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लिया, अब यहाँ पर कंट्रोल प्लस किसी फोल्डर में जाते हैं, जैसे इसी में चल जाते हैं, इसमें आप कंट्रोल प्लस भी दबा दिया, आप देख सकते हैं कि ये फाइल यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। लेकिन मैं फिर कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो ये अंडो हो जाएगा। देखिए आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट, तो यहाँ पर देख लीजिए आप डिलीट का ऑप्शन दे रहा है। तो मैं इसे भी कट कर लेता हूँ, इस फोल्डर को भी हटा देता हूँ अभी। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ नोटपैड में। अब चलिए जो हमारा, आप इसे चाहे तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसे आप नेट में भी यूज कर सकते हैं। सिंपली कंट्रोल प्लस जेड के लिए आपको कमांड प्लस जेड दबाना है, और कंट्रोल प्लस वाई के लिए कमांड प्लस वाई दबाना है आपको। और उसके बाद जो हमारा चौथे नंबर पर आता है शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस एफ और कंट्रोल प्लस जी। तो कंट्रोल प्लस एफ से क्या होगा कि जैसे कि आप कोई भी मतलब कि कोई भी विंडोज में आप काम कर रहे हैं, जैसे हो गया आप मान लीजिए आप कोई ब्राउजर में ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सर्च करना या कुछ काम करना, मान लीजिए इसमें आपको ये जो ब्राउजर में आप वर्क कर रहे हैं तो इसमें आपको सिंपली जो सर्च फील्ड और फाइंड फील्ड ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ दबाना। सिंपली जैसे कि कंट्रोल प्लस एफ आप दबाइएगा तो यहाँ पर देखिए कि आपको आ गया एक सर्च फील्ड फाइंड आ गया, ठीक है। तो आप मान लीजिए यहाँ पर कुछ सर्च कर लेते हैं, जैसे कि लाइफ सर्च करते हैं, एल आई एफ लाइफ मैंने सर्च कर लिया, तो देखिए आप लाइफ जितने थे
वो सारे पीले कलर से हाईलाइट हो गए हैं। तो इसे कट कर देते हैं, और जो हमारा कंट्रोल प्लस जी था वो जैसे कि मैंने अभी जो सर्च किया उसी को रिपीट करने के लिए कंट्रोल प्लस जी, देखिए उसी को रिपीट कर दिया फिर से कंट्रोल प्लस जी दबाने। तो मैं फिर से इसे कट कर लेता हूँ, उसके बाद जो हमारा पांचवा नंबर था इसे आप फिर कमांड प्लस एफ से भी मैक में यूज कर सकते हैं। जो हमारा पांचवा नंबर पे आता है वो है अल्ट प्लस टैब से आप किसी भी विंडोज को मूव कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आप, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मेरे टास्क बार में विंडोज खुले हुए ओपन है, तो आप इसे सिंपली आप चाहे तो जैसे अपने कर्सर या माउस से आप नहीं मूव करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर अगर प्रेस करेंगे एल्ट प्लस टैब, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्ट प्लस टैब मैंने टैब किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मूव हो रहा है। देखिए ये था कंट्रोल प्लस एफ से आप ब्राउजर में मूव कर सकते हैं, और अगर आप कंट्रोल प्लस टैब से आप ब्राउजर में मूव कर सकते हैं, और एल्ट प्लस टैब दबाने से आप ये टास्क बार के विंडोज को मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का आपका आ गया फीचर। अब आप चाहें तो इसे सिंपली इस तरह का मूव कर सकते हैं, या फिर तो या टैब भी दबाकर मूव कर सकते हैं। जैसे इसे खोलना ओपन, तो देखिए विंडोज में आ गया, सॉरी डेस्कटॉप में आ गया, फिर कंट्रोल टैब दबाऊंगा तो फिर से आ गया आपने ब्राउजर में। और अगर आप विंडोज विस्टा या 7, 8 या 10 के यूजर हैं तो आपको सिंपली विंडोज का भी बटन दबाकर टैब दबाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जिससे आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये डेस्कटॉप में आ गया, फिर से मैं दूसरे पेज में ले जाऊं अगर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फोल्डर खुल गया मेरा, ओपन हो गया। फिर से ब्राउजर में जाना चाहे तो ब्राउजर में जा सकते हैं। तो ये काफी मतलब कि बेस्ट शॉर्टकट की है। तो ये जो है आपके कमांड प्लस टैब से आपके मैक में, अगर मैक यूजर है तो आप कमांड प्लस टैब से यूज कर सकते हैं इस शॉर्टकट की। तो जो हमारा 6 नंबर का है वो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, और ये जो शॉर्टकट की मैं 6 नंबर वाला बता रहा हूँ वो मैक यूजर के लिए नहीं है। तो सिंपली आप अगर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाते हैं तो जो आपका जो टेक्स्ट है लिखा हुआ, जैसे कि मैं अभी चल जाता हूँ अपने नोटपैड में, पहले मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया, जो ये फाइल मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ वो पूरे टेक्स्ट को ये डिलीट कर देगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाने से। आपको दिखाते हैं सिंपली, देखिए मैंने यहाँ पर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाया, देखिए ये जो फाइल है वो डिलीट हो गया। एक्चुअली जहां जहां से कोमा दिया हुआ है तो वो अलग फाइल वर्ड मतलब सेंटेंस हो जाता है, वर्ड हो जाता है, इस वजह से ही उतने ही फाइल को डिलीट करता था। आपको दिखाते हैं कि पूरे फाइल पहले डिलीट करते हैं। यहाँ पर चलिए फिर से कुछ लिख देते हैं, जैसे ए लिख देते हैं, फिर से यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। अब देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे कि मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाया ये पूरे फाइल को मतलब वर्ड को डिलीट कर देता है, एक वर्ड को पर्टिकुलर वर्ड को पूरा डिलीट कर देता है, ठीक है। और अगर आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट और राइट की को दबाएंगे तो वो वन वर्ड से दूसरे मतलब कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड में जाने में मदद करता है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड से फिर अंडो कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अंडो कर लिया। अब उसके बाद करना क्या है कि कंट्रोल आपको दिखाते हैं कि जैसे कि कंट्रोल मैंने यहाँ दबाया और एरो की जैसे ही यहाँ पर दबाऊंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड में मूव कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है हमारा वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर रहा है। और अगर आप इस मतलब कि कंट्रोल और शिफ्ट को दबाकर लेफ्ट और राइट एरो को मूव करेंगे तो वो आपको जो वर्ड है उसको हाईलाइट कर देगा, देखिए इस तरह का हाईलाइट कर देगा। और उसके बाद आप चाहे तो इसे सिंपली कंट्रोल प्लस एक्स दबाकर कट कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस एक्स दबाया ये कट हो गया, फिर से मैं कंट्रोल प्लस जेड दबा दूंगा या तो फिर कंट्रोल प्लस भी दबा दूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो गया। तो ये था हमारा 6 नंबर का। और हमारा जो 7 नंबर पे आता है वो है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को हमको सेव करना है तो सिंपली हमको उसके लिए दबाना होगा कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये डॉक्यूमेंट सेव हो
हो जाएगा। यहाँ पर हम सेव में इंटर में क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। देखिए सेव हो चुका है। तो अब सिंपली जो ये भी आप चाहे तो मैक में यूज कर सकते हैं कमांड प्लस एफ के ऑप्शन से, और जो हमारा 8 नंबर का है शॉर्टकट की वो है कंट्रोल प्लस होम या तो कंट्रोल प्लस इंड। जैसे कि कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस इंड दबाने से क्या, बस पहले मैं एक ब्राउजर खोल लेता हूँ पहले यहाँ पर। जैसे मैं ब्राउजर खोल लिया तो कंट्रोल प्लस होम दबाने से क्या होगा कि आपका जो पेज है वो टॉप में चला जाएगा। कंट्रोल प्लस होम दबाने से जैसे कि टॉप में, तो इसीलिए कहीं मूव नहीं कर रहा है। और कंट्रोल प्लस अगर इंड आप दबाएंगे तो कंट्रोल प्लस इंड दबाने से आपका जो है ब्राउजर वो बॉटम में चला जाएगा। फिर से मैं होम दबाऊंगा कंट्रोल प्लस होम तो ये टॉप में आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये इसे भी आप चाहे तो मैक में यूज कर सकते हैं कमांड प्लस अप एरो और कमांड प्लस डाउन एरो के नाम से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 9 नंबर पे शॉर्टकट की आता है वो है कंट्रोल प्लस पी। उससे आप कोई भी जैसे कि ये मतलब प्रिंट पर भी पेज ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस पी दबाऊंगा, जैसे यहाँ पर कंट्रोल प्लस पी प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा प्रिंट प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन हो गया। आप चाहे तो प्रिंट मार सकते हैं, प्रिंट नहीं करना तो आप कैंसिल यहाँ कर दीजिए सिंपली। आप इसे भी मैक में यूज कर सकते हैं कमांड कमांड प्लस पी के ऑप्शन से। और जो हमारा 10वां नंबर और आखिरी शॉर्टकट की है वो है पेज अप और डाउन और अगर और स्पेस बार। अगर इससे क्या होता है कि जो हमारा पेज है वो टॉप और बॉटम मतलब कि जो हमारा माउस में रोलर होता है उसकी मदद करता है, तो अगर आप रोलर की जगह आप पेज अप डाउन करेंगे तो आपका पेज जो है मूव करेगा नीचे डाउन से और पेज अप से ऊपर मूव करेगा। अगर आप ये शॉर्टकट की यूज मतलब ये आपका कीबोर्ड में नहीं दिया हुआ है या तो फिर आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो उसके जगह में आप चाहें तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबा सकते हैं, जिससे कि आपका पेज अप होगा और डाउन होगा। तो आपको दिखा देते हैं स्पेस बार दबाने से क्या होगा, आपका पेज डाउन होगा। और जैसे ही आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो पेज आपका ऑफ होने लगेगा। ये सिंपली पेज ऑफ होने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो रियली में पसंद आया और आपको कुछ भी मदद मिला इसे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के कंप्यूटर के टिप्स ट्रिक्स और नए मोबाइल के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। और अगर आप भी चाहते हैं कुछ इस तरह का HD मतलब 4K वीडियो वॉलपेपर डाउनलोड करने के लिए अपने मैक या विंडोज या आईफोन या एंड्रॉयड के लिए, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं या तो आपको आई बटन में भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। One, two, three.